हेलो गाइस, अब ये इतना मत हिलाओ कि गाइस को नजर ही ना आए। हाँ, ये स्टोरी बुक है। स्टोरी बुक है वही वाली जो मैंने अपने हाथ पे बनाई थी, और अब ये को ओपन करूँगा। अच्छा, ये दोनों जायदे गा रही थी। अबे स्टोरी मत सुनाओ, बस हमें पिक्चर दिखाओ। अच्छा, हमने पहले से हैंड वाली स्टोरी सुन ली है। बारिश हो रही थी, फिर वाह हो, ये बारिश है। फिर ये बैलून है। ये बैलून है? हाँ, ये बारिश है, बैलून है। और अब आपकी, बाय द वे, आपकी स्टोरी बुक प्यारी है, चुन्नी सी मुन्नी सी प्यारी सी। वाह, और यहाँ पे आपका नाम भी लिखा है। हाँ, भी हाँ। फिर से नहा के आ गई, फिर से चेंज कर लिए कपड़े। यस, मैं अभी रात होने वाली है, फिर मैं सब यही कहते। फिर क्या? फिर ना डैडी और फादर नैना माइक्रोफोन सब यही कहते होंगे कि जी अभी हाँ, तो दिन में 25 जब इसका इसकी वीडियो आती है, मतलब ये वीडियो में आती है, इसमें डिफरेंट कपड़े पहने होते हैं हर बार। दिन में 5 दफ़ा जो ड्रेसेस आप चेंज करती होंगी, है ना? जब गर्मी लगती है नहा लेती जाके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके? आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ फाइव का, है ना? और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर ग्रेवी। मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया है और इसमें अदरक और लहसुन डाल दिए हैं, साबुत ही डाले हैं। मैं इस सब चीज़ों को ब्लेंड करूँगी अभी। हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा और कलौंजी डाल के मैं इसे 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, और फिर मैं इसे इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, ताकि मेरा ये जो मसाला है, खुश्क मसाला, ये जले ना। अब मैंने चूल्हे की आग बंद कर दी है और मैं ब्लेंडर से इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी बन जाए। ये सब कुछ ब्लेंड हो गया। अब इस पैन के नीचे फिर से आग जला दूंगी, और ये ब्लेंडर बहुत ही ज़बरदस्त है, और देखें गर्मा गर्म मसाला एकदम से ब्लेंड हो गया है। ये आ गए जी मटर। मटरों का मौसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मटरों को सर्दियों के मौसम में ले के छील के और इन्हें हाफ बॉयल करके रख दिया जाए, तो फिर ये पूरा साल चलते रहते हैं। ये हमारा स्मूथ सा मसाला भुन रहा है, इतने में हम आलू भी कट कर लेते हैं।
ये पोटैटो कट गए छोटे छोटे से क्यूब्स में, और ये वाला पोटैटो ख़राब ही लग रहा था इसलिए मैंने इसे थ्रो कर दिया डस्टबिन में। ये हमारा मसाला भुन गया है अच्छा सा और अच्छी तरह से इसका घी निकल आया है देखें। और इसमें हम डाल देंगे अपनी वेजिटेबल्स यानी कि मटर और आलू, फ्रोज़न ग्रीन पीज हैं ये, और पोटैटोज़। अब इनको भी हम एक दो मिनट भून लेंगे इस मसाले में, फिर इसमें ग्रेवी ऐड करनी है। जितना पानी डालना है आपको, ग्रेवी जितनी रखनी है उतना पानी डालेंगे। और ये मैंने उतना पानी डाल लिया जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, इसमें पोटैटो भी गल जाएंगे और मटर भी गल जाएंगे, और इसको ढक दिया और साथ के साथ चम्मच को भी ढक दिया क्योंकि आजकल है मक्खियों का मौसम यहाँ पर। 10-15 मिनट के बाद आलू और मटर अच्छे से गल गए और ये फिर से भुनाई पर आ गया था, और इसमें डाली दही और फिर इसे भून लिया और हरी मिर्चें डाल दी, और ये अच्छा सा हमारा इतना प्यारा सा लुक वाला आलू मटर तैयार हो गया और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना। क्या कर रही हैं? दिखाओ ड्रेस बनाया आपने इसके, दिखाएं मुझे पास से कि क्या है ये स्कर्ट है, पूरा पहना हो ना, शर्ट भी पहले थी। वो शर्ट नहीं है, वो जैकेट। कटिंग हो रही है, ड्रेसेस बन रहे हैं और बाल बन रहे हैं, शैम्पू किया है और सिलाई ना स्टेपलर से हो रही है। दिखाएं भाई, दिखाएं जैकेट इसकी। बालों से पकड़ा हुआ इसे, क्या हो गया अभी? यहाँ बालों से पकड़ते हैं, बाल तो बहुत ही शाइनी कर दिए आपने, सिल्की हो गए। स्मूथ बारबी। और इसकी जैकेट कितनी ज़बरदस्त बनाई है यार, ये सारी आप खुद कटिंग कर रही हो स्कर्ट? और इस पेंट की नहीं है, बहुत ही फैशनेबल पेंट है भाई, है एक लंबी एक छोटी, ये आपने खुद इसके कपड़े बनाए हैं, बड़ा दिमाग लगाया आपने ये स्लीव्स बनाने में। इसकी जैकेट में ना एक पर बनाना है। जैकेट के लिए पर बना रही हो, चलो वो भी बना के दिखाना है। कैसे बनाओगी? बाल तो इसके आपने कॉम्ब कर करके कर करके बहुत ही अच्छे कर दिए हैं, शैम्पू भी किए। चलो सही है। और स्टिचिंग कैसे कर रही हो, स्टेपलर से? कैसे लेटी हुई हो गम्मी किट्टी? हाँ स्टोरी क्रिएट किए एंड पे। चलता है तो ये दोनों जा रहे थे, गाड़ी आई, इसने इधर कर लिए, ये फिर डेड हो गया। एक डेड हो गया, एक हाँ डेड हो गया। अच्छा और फिर ना इसने ना रोया, फिर इसने खाना शुरू कर दिया, फिर ये मोटा रोया और खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा आगे आगे प्लीज़। और फिर ये मोटा हो गया, और फिर इसने एक्सरसाइज की, और फिर ये सूखा हो गया, और फिर ये गया, ये एक्सरसाइज कर रहे, डंबल उठा रहे। और फिर आगे ना, और फिर ये गया, और फिर इसको ना जॉब मिल गई। शिप में गया है, कहाँ गया, ये क्या है? ये है वो ऑफिस, क्रूज शिप। ऑफिस, ये ऑफिस। हाँ
अच्छा टेबल है, ये डेस्क है, टेबल है क्या? नहीं, अच्छा ये ऑफिस का, ये पूरा हाउस ठीक है, है। अच्छा फिर वो बिल्डिंग इसके है। अंदर गया, फिर उसने काम किया, फिर उसको थोड़ी देर बाद इसका जैसे दोस्त मिल गया और फिर ये दोनों जाने लगे, फिर एक और गाड़ी आई उसने बचा लिया, फिर सो गया। And life goes on, goes on, goes on, है ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे और भी बताना है। वो मर गया और फिर उसको गुस्सा आया, वो अब फिर ये दोनों मिल गए, फिर ये बन गया एक के दो दो। गुस्सा किस आया तो मिले किस तरह? वो तो मर चुका था, लेकिन ना मर चुका था ना ये, फिर हाँ ये फिर इमेजिनेशन में हाँ, वो उससे मिल गया। चलो ठीक हाँ, है वो उससे मिल गया ऐसे करके, फिर वो ऐसे दोनों बन गए, वाइट वाला का हाथ ये ब्लैक वाले का हाँ, हाथ हाँ, ये। ओह चलो ठीक है, नाइस स्टोरी। क्या ड्रेस पहने दिखाओ, खुले में बाल। अभी हाँ क्या क्या बन रही हो है? गिरोगी ना, मजा आ जाएगा आपको बहुत ज्यादा। चौथी लग गई अभी कुछ नहीं हुआ अभी। ओए थिलाए थिलाए, ओए हो रोने मत लग जाना, अभी आप यही करती हो। बस 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 अभी हाँ क्या हो गया? तो बाय, ओके अभी अब बाय बाय, गुड नाइट। जाओ सो आप। क्या एक्टिंग की उसमें, डर क्या हो रही है, है? चलो ओ जाओ अपना काम करो। अच्छा थोड़ी देर मुझे आराम करने दो और मेरा दुपट्टा एज यूजुअल चेयर पे।